देश भर की साइकिल यात्रा करने वाले बहुत से लोगों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ऐसे कम ही लोग होते हैं जिनमें विदेशों की भी साइकिल यात्रा करने का जज्बा होता है। ऐसा ही जज्बे के साथ सिरसा के रहने वाले 65 वर्षीय दीनानाथ अग्रवाल अब तक 17 देशों की साइकिल पर यात्रा कर चुके हैं। अब तक की साइकिल यात्रा की यादों को दीनानाथ अग्रवाल ने अपने घर में एक कैमरे में म्यूजियम बनाकर रखा है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस कमरे में साइकिल भी लटकी हुई है जिस पर दीनानाथ अग्रवाल ने यात्रा की थी। दीनानाथ अग्रवाल ने पहली साइकिल की यात्रा शुरुआत 1978 से की थी। उस समय दीनानाथ सिरसा के नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे। उस दौरान उन्होंने साइकिल से शिमला की दूरी नाप दी। पहली बार 400 किलोमीटर की शिमला की यात्रा पूरी करके वापस लौटे, जिसके बाद 1981 में उन्होंने कई देशों जैसे कि नेपाल, भूटान, सिक्किम जैसे देशों की यात्रा पूरी की। उनका यह सफर यहीं नहीं रुका और इसके बाद यूरोप, अफ्रीका, केन्या, युगांडा, इजिप्ट सहित कई देशों की यात्रा 13 महीने में पूरी कर घर वापस लौटे। उन्होंने कहा कि यात्रा पर 35 रुपए खर्च आया था, क्योंकि रोटरी क्लब की तरफ से उन्हें रहने और खाने में मदद मिलती रही थी।